नमस्कार, मैं रितु मौर्य। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर भिंड से है, जहां पर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए शुरू की गई सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भिंड जिले में पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। विभागीय कर्मचारियों के लापरवाही के चलते किसानों को योजना के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है। अपनी मिट्टी का परीक्षण करने के लिए किसानों को समय पर मिट्टी की जाँच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, इसलिए किसान बिना किसी जानकारी के अपने परम्परागत रूप से खेती करने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारी कागजी आंकड़ेबाजी पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। विभाग के अधिकारी इस योजना को भिंड से पूरी तरह सफल मान रहे हैं। अभी तक 20,000 किसानों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही इस साल मिट्टी परीक्षण के 14,000 के लक्ष्य में से 9,000 का आंकड़ा कृषि विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस तरह अधिकारी योजना को सफल घोषित करने में जुटे हुए हैं। किसान इस योजना से अनजान है और मिट्टी को जानकारी ना होने से अनजान है, इसके बावजूद इन्हें गलत और योजना के आंकड़े को सही बता रहे हैं। आज भी किसान खेती करने घाटे का सौदा मान रहा है, इसलिए मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का ढोंग कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अजय भदौरिया की रिपोर्ट। बताइए, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है मिट्टी परीक्षण की, तो क्या जानकारी है आपके पास? मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो हमारे पास मतलब कोई जानकारी नहीं है मुझे। मैं अपने हिसाब से अपनी खेती कर रहा हूँ। अभी तक जो मिट्टी चेक करने वाले कौन आते अधिकारी, मुझे कोई जानकारी नहीं। कोई अधिकारी आया आपके पास कार्ड लेकर? अभी तक कोई नहीं आया। कोई कार्ड लेकर नहीं आया? नहीं नहीं, कोई कार्ड लेकर नहीं आया। तब कोई जानकारी है? नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं खेती अपने हिसाब से कर रहा हूँ। क्या हिसाब से कर रहे हैं? कैसे? मैं अपने जो जुताई करनी है, बोना है, काटना है, जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की योजना है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ प्रधानमंत्री की? हाँ, प्रधानमंत्री, मुझे कुछ पता नहीं। क्या नाम है? राहुल पुरेत। सर बताइए, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या योजना है और किस कितने लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, कितने किसान हैं भिंड जिले में? जिले में लगभग 2,00,000 किसान हैं सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत। कृषकों के उनके खेतों का मिट्टी परीक्षण कार्य किया जाता है, जिसमें ग्रिड आधारित नमूना का एकत्रित करते हैं, जिसमें सिंचित क्षेत्र की 2.5 एकड़ की ग्रिड रहती है, असिंचित क्षेत्र की 10 एकड़ की। इस साल 17-18-19 के लिए, वर्ष 18-19 के लिए हमारे पास 14,428 नमूनों का लक्ष्य है, जिसमें से 9,997 नमूने एकत्रित हो गए और लगभग 20,000 सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण हो चुका है। शेष जो लक्ष्य की पूर्ति मार्च 2019 तक कर ली जाएगी, कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान। अच्छा, कई किसान ऐसे हैं जिनको सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी नहीं है, उनके पास कोई टीम पहुंची नहीं है, कोई कार्ड वगैरह नहीं बांटे गए उनके पास। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण कृषि विस्ताराधिकारी, किसान मित्रों के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाए जाते हैं। उनसे पावती भी दी जाती है और उनको उसके बारे में समझाइश दी जाती है, और जहाँ भी विकास खंड स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी किसान संगोष्ठियाँ प्रशिक्षण आयोजित किए जाती हैं या किसान मेला, उसमें बाकायदा वैज्ञानिकों के द्वारा, विभाग के जो मैदानी अधिकारी हैं उनके द्वारा किसानों को इस संबंध में जागरूक किया जाता है और लिखित में भी लिटरेचर उनको प्रदाय किया जाता है। फिर भी किसान जागरूक नहीं है, उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो कैसे हो सकता है कि कहीं कुछ किसानों के पास जानकारी न हो, मगर ज़्यादातर किसानों के पास ही जानकारी पहुंच रही है। मगर जिले में किसानों की जो खरीफ की फसल है वो ज्यादातर कम क्षेत्र में रखती है रबी की अपेक्षा। अच्छा, जिन किसानों पर जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, तो क्या इसमें कहीं सूचना नहीं हो? उनको पूर्ण प्रयास करके हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाए और उनके संबंध में जानकारी दी जाए जो छूट गए किसान उनको। बिल्कुल बिल्कुल।